दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एवरी मैन एंड हिज ह्यूमर। ये जो प्ले है इसको लिखा था बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन का दोस्तों ये मुझे सबसे बेस्ट प्ले लगता है। इसको 1598 में लिखा गया और 1598 में इसको परफॉर्म किया गया लंदन में। फर्स्ट टाइम इसको परफॉर्म किया गया था। ये प्ले विलियम शेक्सपियर को भी बहुत पसंद था दोस्तों। विलियम शेक्सपियर को इतना पसंद था कि विलियम शेक्सपियर ने खुद इसमें रोल किया है। इस पर मैं पहले एक बार वीडियो बनाने की कोशिश कर चुका हूँ लेकिन नाकामयाब रहा दुर्भाग्य से। मैंने सिर्फ एक ही पार्ट बनाया। दोस्तों आज इस वीडियो को हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, इस प्ले को हम पूरा डिस्कस करेंगे। इंग्लिश रेनेसा के टाइम पे इसको लिखा गया था, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों इस प्ले को शुरू करने से पहले बेन जॉनसन ने एक प्रोलॉग दिया है जिसमें बेन जॉनसन बोलते हैं कि ये प्ले उन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस टाइम पर, जिस टाइम पर ये प्ले लिखा गया था उस टाइम पर एलिजाबेथन इंग्लैंड में थिएटर पॉपुलर हो रहे थे। और इस प्ले को लिखने का दूसरा मकसद ये है कि इसमें बेन जॉनसन इस प्ले के व्यूअर्स को, जो लोग वहाँ पर बैठ करके ऑडियंस इस प्ले को देख रही थी, उन्हें वो बच्चे की तरह हंसाना चाहते हैं। यानी कि असली हंसी जो आती है अंदर से वो हंसाना चाहते हैं। तो आप प्ले को शुरू करते हैं। इस प्ले की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी से जिसका नाम है नोवेल। ये नोवेल अपने नौकर ब्रेन वार्म से कहता है कि एडवर्ड को बुला के लाओ। एडवर्ड इस नोवेल का बेटा है, कहता है कि मेरे बेटे को बुला कर लाओ। और इस नोवेल को ये चीज़ देखकर अच्छा लगता है कि इसका बेटा एडवर्ड अपनी पढ़ाई को सीरियसली ले रहा है। आजकल ये ढंग से पढ़ने लगा है, इसका बेटा एडवर्ड अच्छे से पढ़ने लगा है। लेकिन इसको चिंता इस बात की है कि इसका बेटा जो पढ़ रहा है वो बेकार की पोएट्री है, उसमें उलझा हुआ है इसका बेटा, जो कोई काम की नहीं है, आगे इसका करियर नहीं बना सकती एडवर्ड का। तभी यहाँ पर इस नोवेल का भतीजा आता है, मास्टर स्टीफन्स नाम है इसके भतीजे का, और बोलता है कि अंकल एडवर्ड कहाँ है, मुझे उससे कोई शिकार की बुक चाहिए थी। तो ये नोवेल इसको बोलता है कि बेटा ये शिकार विकार को छोड़ो और अपने करियर पर ध्यान दो। और ऐसा बोलकर ये नोवेल स्टीफन पर अपना ज्ञान ढोलता है और ये फिर स्टीफन यहाँ से चला जाता है एडवर्ड से मिलने के लिए। तभी यहाँ पर नोवेल के पास में एक लेटर आता है। ये लेटर है एडवर्ड के लिए, लेकिन नोवेल बोलता है कि ये मेरे बेटे के लिए लेटर आया है, तो पहले मैं खुद इसको पढ़ूंगा। तो ये लेटर को खुद पढ़ता है पहले। ये लेटर भेजा है एडवर्ड के एक दोस्त वेलब्रेड ने। वो एडवर्ड को घर से बाहर बुला रहा है कि बाहर आओ मज़े करते हैं। उसने लेटर के अंदर एडवर्ड के फादर नोवेल की बहुत बुराई की है, बड़े गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ करता है, वो बहुत बुराई करता है। और उसके बाद में नोवेल को लगता है कि उसका बेटा एडवर्ड गलत संगत में है, तो फिर वो क्या करता है, ये लेटर अपने नौकर ब्रेनवाम को बोलता है कि तुम ये लेटर एडवर्ड को दे आओ। अब ये सोचता है कि मेरा बेटा गलत संगत में है तो मुझे उसे सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन उसका बाप होने के नाते उस पर दबाव नहीं बनाना चाहिए, उसको फ्री छोड़ देना चाहिए और समझाना चाहिए। अब दोस्तों ये नौकर ब्रेनवाम एडवर्ड को वो लेटर देने जाता है। ये ब्रेनवाम का बहुत तगड़ा रोल है आगे चल के इसका, नौकर का। ये इतने सारे भेस बदलेगा इसके अंदर, प्ले के अंदर। तो ये जाता है लेटर लेकर एडवर्ड के पास में और लेटर देता देता ये बोलता है कि आपके पिताजी ने पहले ही आपका लेटर पढ़ लिया है। अब एडवर्ड उस लेटर को खोलकर पढ़ता है और वो लेटर पढ़ने के बाद वो जो लैंग्वेज उसके अंदर लिखी हुई थी, उसके फादर की बुराई की हुई थी, उसको पढ़कर ज़ोर ज़ोर से हंसता है। और इस लेटर को पढ़ने के बाद ये एडवर्ड स्टीफन के साथ मिलकर उस वेलब्रेड से मिलने जाता है, अपने दोस्त से मिलने जाता है वेलब्रेड से। अब आई होप यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊँ, इसी सिटी में कहीं मैथ्यू नाम का एक मजाकिया आदमी है, वो कैप्टन बॉबेडिल से मिलने जाता है। कैप्टन बॉबेडिल पहले आर्मी में था और अभी एक कॉब के घर में रुका हुआ है। कॉब पानी वानी भरने का काम करते थे उस टाइम पर, तो वहाँ पर एक बेंच पर लेटा हुआ है, 3 दिन से ये यहाँ पर रुका हुआ है। तो ये कॉब के घर में जाता है मैथ्यू उससे मिलने के लिए, कैप्टन बॉबेडिल से, और कैप्टन बॉबेडिल को बोलता है कि डाउनराइट ने मेरी इंसल्ट की है और मुझे पीटने की धमकी दी है। अब ये डाउनराइट कौन है? ये डाउनराइट दोस्तों इस वेलब्रेड का हाफ ब्रदर है, यानी सौतेला भाई है इस वेलब्रेड का, और बहुत ही गुस्से वाला आदमी है। बॉबेडिल इस मैथ्यू को बोलता है कि तुम एकदम सही जगह आए हो, मैं तुम्हें तलवार से लड़ने की कुछ टेक्निक सिखाता हूँ जिससे तुम
फ्यूचर में खुद को डिफेंड कर सकते हो। एक्चुअली दोस्तों ये बहुत डेंगे हाँकता है ये बॉबेडिल, ये पता नहीं क्या समझता है खुद को। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस वेलब्रिड के बारे में। ये वेलब्रिड इस सिटी में एक व्यापारी के घर में रहता है। उस व्यापारी का नाम है, कपड़े का व्यापारी है वो, काइटली नाम है उस व्यापारी का। ये काइटली इस वेलब्रिड से बहुत दुखी है, तो ये काइटली क्या करता है, इस डाउनराइट के पास जाता है, इस वेलब्रिड की शिकायत करता है कि तुम्हारा भाई हमारे घर में रह रहा है लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो अपने आवारा दोस्तों को हमारे घर लाता है, मेरे घर में मेरी बीवी है और मेरी बहन है। इस डाउनराइट को अपने भाई पर गुस्सा आता है, वेलब्रिड पर गुस्सा आता है। लेकिन तभी यहाँ पर बॉबेडिल और मैथ्यू आ जाते हैं। ये दोनों जने यहाँ पर वेलब्रिड को ढूंढने आए हैं, लेकिन जब इनको यहाँ पर डाउनराइट मिलता है तो इन दोनों का पंगा हो जाता है डाउनराइट से। तो डाउनराइट और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वैसे ही वो गुस्से में था, तो ये दोनों तो वहाँ से चले जाते हैं। अब इस काइटली की बात करूँ तो इस काइटली को डर लग रहा है कि इसकी वाइफ का किसी के साथ में अफेयर तो नहीं चल रहा, क्योंकि वेलब्रिड जो इसके घर में रह रहा है उसके रहते हुए इतने सारे लोग इसके घर में आते जाते रहते हैं। तो इस काइटली को डर लग रहा है इसकी वाइफ का कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा। इसकी वाइफ का नाम है डेम काइटली और इस काइटली की बहन है एक जिसका नाम है ब्रिजिट। इस काइटली को अपनी बहन और अपनी बीवी की चिंता होती है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये नोवेल अपने बेटे का पीछा कर रहा है। ऐसे में इनका ये जो नौकर है ब्रेन वॉर्म, मैंने आपको बताया था इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इस पूरी कहानी में। ये ब्रेन वॉर्म अपना भेस बदल लेता है और नोवेल का पीछा करता है ताकि नोवेल अपने बेटे को एडवर्ड को ढूंढ ना पाए। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही एक छोटा सा मजाकिया सीन होता है। ये एडवर्ड और स्टीफन बैठे रहते हैं तो इनके पास में आता है ब्रेन वॉर्म। ब्रेन वॉर्म ने इस वक्त भेस बदल रखा है, ये एक सोल्जर बन गया है जिसका पैर लड़ते लड़ते कट गया था। तो ये एक लंगड़ा सोल्जर बन के इनके पास आता है और इनको बोलता है कि मैं अपनी तलवार बेचना चाहता हूँ, ये बहुत ही महंगी तलवार है, मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये स्टीफन सोचता है कि एक अच्छा सौदा हो जाएगा अगर मैं इस तलवार को ख़रीद लूँ। लेकिन स्टीफन का पर्स खो गया था तो इसने अपनी अंगूठी बेच दी उसको और सौदा कर लिया तलवार का, लेकिन ये तलवार एकदम घटिया क्वालिटी की थी। दोस्तों ये प्ले जाता है एक बार में। इस बार के अंदर ये बॉबेडिल और मैथ्यू मिलते हैं वेलब्रिड से। वेलब्रिड को ढूंढ रहे थे ये, तो उससे मिलते हैं और उससे मिलते ही उसके भाई डाउनराइट की कंप्लेन करने लगते हैं। तो वेलब्रिड बोलता है कि तुम मेरे भाई के बारे में कुछ गलत सलत मत बोलो, मैं नहीं सुनूंगा। अब यहाँ पर एडवर्ड और स्टीफन भी आते हैं तो एडवर्ड वेलब्रिड से बोलता है कि यार ऐसे लेटर मत भेजा कर मेरे घर में, मेरे फादर ने तुमने जो कुछ भी लिखा था मेरे फादर ने पढ़ लिया उसको। तो स्टीफन के हाथ में एक तलवार थी, तो बॉबेडिल मैंने आपको बताया ये आर्मी में था, ये डींगे वैसे ही हाँकता था। तो इसने स्टीफन को कहा कि तुम्हारे हाथ में ये तलवार है दिखाना, तो ये दिखाता है स्टीफन। बॉबेडिल उसको देखकर बोलता है कि ये तो एकदम घटिया किस्म की तलवार है, जिससे भी ये तुमने तलवार खरीदी है उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। अब स्टीफन जब बेवकूफ बन गया तो सारे के सारे इस पर हंसने लगते हैं, स्पेशली ये वेलब्रिड और एडवर्ड, दोनों जने स्टीफन पर हंसने लगते हैं कि तलवार बेचने वाला तेरा पोपट बना गया। अब इतने में ये नौकर ब्रेन वॉर्म यहाँ पर आता है और एडवर्ड से बोलता है कि तुम्हारे फादर तुम्हारी जासूसी कर रहे हैं। जहाँ तक बात की जाए इस काइटली की, तो इस काइटली का अपनी बीवी को लेकर शक बढ़ता ही जा रहा था, वो अपने बिजनेस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। वैसे इसकी बीवी ने किया कुछ नहीं है, फालतू में शक कर रहा है अपनी बीवी पर। इस काइटली का एक कैशियर है कैश नाम का, ये कैश को बोलता हुआ जाता है यहाँ से कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वेलब्रिड और उसके दोस्त अगर घर पर आए तो मुझे बताना। अब ये यहाँ से चला जाता है काइटली, तो वेलब्रिड यहाँ पर आता है अपने दोस्तों के साथ में। ये वेलब्रिड कैश से पूछता है कि काइटली अंदर है, तो वो बोलता है कि नहीं काइटली नहीं है, काइटली गए हुए हैं कहीं पर। काइटली जस्टिस क्लेमेंट के घर पर गया हुआ था। अब जैसे ही वेलब्रिड अपने दोस्तों के साथ में घर में आता है तो काइटली को बुलवाया जाता है जस्टिस क्लेमेंट के घर से, तो ये काइटली भागता हुआ वापस अपने घर पे आता है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ये कॉप जो है इसको भी बॉबेडिल से बड़ी प्रॉब्लम है। ये बॉबेडिल के नाम पर एक अरेस्ट वारंट निकलवाना चाहता है। ये बॉबेडिल कॉप के घर में ही तो रह रहा था, तो अब ये कॉप बॉबेडिल के नाम पर एक अरेस्ट वारंट निकलवाना चाहता है, क्योंकि इस कॉप को शक है कि बॉबेडिल का और इसकी वाइफ का कुछ चल रहा है, अफेयर चल रहा है।
अब दोस्तों अगला सीन है काइटली के घर का। ये डाउन राइट यहां पर आता है। काइटली की वाइफ पर गुस्सा करता है कि तुम लोगों ने मेरे भाई बेलब्रेड को अपने घर में क्यों टिका रखा है। तो काइटली की वाइफ बोलती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। अब यहीं पर काइटली के घर पर ये स्टीफन, एडवर्ड, वेलब्रेड, ब्रिजिट, मैथ्यू, बॉबिडिल और ब्रेनवॉर्म ये सारे के सारे आते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ कि ये मैथ्यू इस ब्रिजिट को इम्प्रेस करना चाहता है और इसको इम्प्रेस करने के लिए, इस ब्रिजिट को इम्प्रेस करने के लिए ये कुछ चोरी की हुई पोइट्री की लाइन्स बोलता है। तो लोग इस पर हंसते हैं कि तुम चोरी की हुई पोइट्री की लाइन बोल रहे हो, खुद की नहीं बना रहे हो। अब डाउनराइट का स्वभाव मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही गुस्सेल स्वभाव का है, तो ये यहाँ पर गुस्सा करता है तो बाकी सब लोग इसको यहाँ पर शांत करवाने की कोशिश करते हैं। ये डाउनराइट अपने भाई वेलब्रेड और उसके आवारा दोस्तों को यहाँ से ले जाता है। तब यहाँ पर काइटली आता है और काइटली को अब पक्का यकीन हो गया है कि वेलब्रेड और उसके साथी इसी घर में हैं। वो उनको ढूंढता है। यहाँ दोस्तों ये कॉप भी अपनी वाइफ पर शक करने लगता है। इसको लगता है कि इसकी वाइफ इसको धोखा दे रही है। ये अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम घर के अंदर ही रहोगी, किसी भी गैर आदमी से बातचीत नहीं करोगी। ये सोच रहा है कि बॉबिडिल के साथ इसका कुछ चल रहा है, इसकी वाइफ का कुछ चल रहा है इस बॉबिडिल के साथ में। अब दोस्तों क्या होता है, एक बार के अंदर ये एडवर्ड और वेलब्रेड ये दोनों बैठे रहते हैं। ये वेलब्रेड चाहता है कि एडवर्ड की शादी हो जाए ब्रिजिट से, क्योंकि ये एडवर्ड ब्रिजिट को पसंद करता है। तो यहाँ पर मैथ्यू, बॉबिडिल और स्टीफन भी आ जाते हैं। ये लोग यहाँ पर मिलकर डाउनराइट की बातें कर रहे होते हैं कि डाउनराइट जबरदस्ती का कितना गुस्सा करता है। तभी यहाँ पर डाउनराइट आ जाता है और इस मैथ्यू और बॉबिडिल को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। मैथ्यू तो यहाँ से भाग जाता है और बॉबिडिल बहाने लगाने लगता है। बॉबिडिल भी एक्चुअली डर गया है, ये फालतू के डिंगे हाँकता है कि मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन जब डाउनराइट इसके सामने आ गया तो ये डर गया। दोस्तों इस वेलब्रेड का मकसद ये है कि ये एडवर्ड और ब्रिजिट इन दोनों की शादी करवाए। अब ये क्या करता है, ये जाता है काइटली के घर में और इसके कहने पर ब्रेनवॉर्म यहाँ पर भेष बदल कर आता है और बोलता है, इस काइटली को बोलता है कि जस्टिस क्लेमेंट ने तुमको बुलाया है। ये काइटली जाते जाते कॉप को यहाँ पर चौकीदार बना जाता है कि मेरी वाइफ और मेरी बहन का ख्याल रखना। तो इसकी वाइफ सोचती है, इस काइटली की वाइफ सोचती है कि उसका हस्बैंड हमेशा कॉप को क्यों ढूंढता रहता है। तो ये वेलब्रेड को मौका मिल जाता है। ये वेलब्रेड बोलता है कि तुम्हारे हस्बैंड का कॉप की वाइफ से कुछ लफड़ा चल रहा है। तो ये जेलस हो जाती है और कॉप के घर जाती है। अब यहाँ पर ब्रिजिट अकेली, तो वेलब्रेड मौका देखकर इस ब्रिजिट से बोलता है कि एडवर्ड तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम उससे शादी कर लो। अब काइटली यहाँ पर वापस आता है जस्टिस क्लेमेंट के घर से और बोलता है कि मुझे तो जस्टिस क्लेमेंट ने नहीं बुलाया। तभी इसको पता चलता है कि इसकी वाइफ कॉप के घर पे गई है। तो अब ये भागता हुआ यहाँ से कॉप के घर जाता है। दोस्तों लंदन की एक गली में ये मैथ्यू और बॉबिडिल मिलते हैं इस ब्रेनवॉर्म से। ब्रेनवॉर्म ने अभी भी भेष बदल रखा है अपना। तो ये ब्रेनवॉर्म को बोलते हैं कि हमें डाउनराइट को अरेस्ट करवाना है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। इसके बदले में ये दोनों जने उसको पैसा और ज्वेलरी देते हैं। बस इनका मकसद एक ही है कि ये डाउनराइट को कैसे भी अरेस्ट करवाएं। ये ब्रेनवॉर्म को बड़ा मज़ा आ रहा है अपना भेष बदलने में। बार बार ये अपना भेष बदल कर पुलिस वाला बन गया उन्हीं पैसों से जो इसको मिले थे, और डाउनराइट को अरेस्ट करने के लिए चला गया। अब यहाँ पर कॉप के घर में काइटली और उसकी वाइफ दोनों जने आते हैं एक दूसरे को रंगे हाथ पकड़ने। लेकिन ये क्या हो गया, दोनों ने एक दूसरे को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हाथ लगा दोनों के। यहाँ कॉब को भी अपनी वाइफ पर शक था तो ये भी अपनी वाइफ को पीटने लगा। अब ये सारे के सारे लोग जस्टिस क्लेमेंट के पास में गए उनसे जजमेंट के लिए। अब यहाँ मैंने आपको बताया ये ब्रेनवॉर्म अपना भेष बदलकर एक पुलिस वाला बनकर इस डाउनराइट को अरेस्ट कर लेता है और जस्टिस क्लेमेंट के पास में ले जाता है। अब ये सारे के सारे जस्टिस क्लेमेंट के पास में आते हैं। अब जस्टिस क्लेमेंट सारे कन्फ्यूजन को समझते हैं और काइटली और उसकी वाइफ को बोलते हैं कि तुम्हें वेलब्रेड ने बेवकूफ बनाया। और यहाँ पर डाउनराइट को जस्टिस के पास अरेस्ट करके लाया जाता है। अब अरेस्ट करके यहाँ पर लाया गया और सारे के सारे लोग डाउनराइट का मजाक बनाने लगे, क्योंकि ये डाउनराइट बिना अरेस्ट वारंट देखे खुद ही गिरफ्तार हो गया। सारे के सारे लोग इस डाउनराइट पर हंसने लगे।
अब ये ब्रेन वॉर्म क्या करता है, सबको अपने कारनामे बताता है कि मैंने भेस बदल बदल कर सारा रायता फैलाया, और सबको एक चीज़ और बताता है कि हमने ये सारा जो ड्रामा किया ये एडवर्ड और ब्रिजिट की शादी करवाने के लिए किया। तो जस्टिस क्लेमेंट यहाँ पर ब्रेन वॉर्म पर गुस्सा होने की बजाय उससे बड़े इम्प्रेस हुए। अब यहाँ पर ये एडवर्ड, ब्रिजिट और वेलब्रेड भी आते हैं। जस्टिस क्लेमेंट इस एडवर्ड और ब्रिजिट को बधाई देते हैं इनकी नई नई शादी के लिए, और जस्टिस क्लेमेंट सबको बोलते हैं कि अपनी अपनी नाराज़गी ख़त्म करो और इन दोनों को बधाइयाँ दो। इसी के साथ दोस्तों ये प्ले ख़त्म होता है।